Hello friend, Assalamualaikum. My name is Abdul Malik. I hope you all will be fine. Going to study about variable. आज हम पढ़ेंगे variable क्या होता है. A variable is nothing but a name given to a storage area that our program can manipulate. हमारे पास जो है variable क्या है, कुछ भी नहीं है, लेकिन एक नाम है जो हम एक स्टोरेज एरिया को देते हैं, जिसको क्या क्रिएट करना है, उसके ऊपर काम करना है. ईच वेरिएबल इन सी हैज अ स्पेसिफिक टाइप. जो भी हम वेरिएबल लेंगे उसकी कोई ना कोई एक टाइप होगी, विच डिटरमाइन द साइज, मतलब डेटा टाइप होगी. अब जैसे इंट, फ्लोट, ये सारे क्या होंगे, किसी भी वेरिएबल के साथ ये लाजमी होंगे. हाँ जी, उससे हमें क्या पता चलता है, उससे हमें ये पता चलता है कि इस वेरिएबल का जो साइज है वो कितना होगा, कितनी इसको जो है मेमोरी दी जाएगी, मतलब वेरिएबल की जो रेंज है उसकी डाटा टाइप बताएगी कि मेमोरी में एक वेरिएबल कितना डाटा स्टोर कर सकता है, वो उसकी डाटा टाइप उसको डिफाइन करेगी. हाँ जी, उसके बाद आ जाता है द नेम ऑफ अ वेरिएबल कैन बी कंपोज ऑफ लेटर्स, डिजिट्स एंड द अंडरस्कोर करेक्टर. हमारा जो वेरिएबल है उसके अंदर लेटर, डिजिट्स और अंडरस्कोर करेक्टर हो सकता है. इट मस्ट बिगिन विद आइदर अ लेटर और एन अंडरस्कोर. लेकिन जो हमारा वेरिएबल है वो हमेशा किसी लेटर से या अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा. अपर एंड लोअर केस लेटर आर डिस्टिंक्ट बिकॉज सी इज अ केस सेंसिटिव. हाँ जी, आप अपर केस में या लोअर केस में लेटर लेंगे तो वो दोनों क्या होंगे, एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगे, क्योंकि हमारे पास जो सी है वो केस सेंसिटिव है. अगर आप उसे सी के अंदर कोई भी प्रोग्राम लिखेंगे, अगर उसके अंदर पहला वर्ड कैपिटल लिखेंगे और दूसरा अगर सेम वही चीज़ आप स्मॉल लेटर में लिखेंगे तो दोनों में फ़र्क होगा. अब जैसे हमने पढ़ा था, ये हमारे पास जो है डेटा टाइप है करेक्टर, इंट, फ्लोट, डबल, तो ये जो है वो साइज बताते हैं हमारे वेरिएबल का. हाँ जी, उसके बाद आ जाता है हमारे पास सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आल्सो अलाउज टू डिफाइन वेरियस अदर टाइप ऑफ वेरिएबल विच वी विल कवर इन सबसीक्वेंट चैप्टर. बात जो है हम डिफरेंट टाइप की डेटा टाइप लिख सकते हैं जो हम आगे फर्दर पढ़ेंगे. हाँ जी, अब जो है वेरिएबल की डेफिनेशन क्या है. अ वेरिएबल डेफिनेशन टेल्स द कंपाइलर वेयर एंड हाउ मच स्टोरेज टू क्रिएट फॉर द वेरिएबल. कि आपने कंपाइलर को बताना कि कहाँ पे और कितनी मेमोरी जो है वो स्टोर करनी है, कितनी मेमोरी जो है वो वेरिएबल को दी गई है. अब इसके अंदर कहता है टाइप वेरिएबल लिस्ट, कि आपने जो है टाइप की जगह जो है कोई भी डाटा टाइप लिखनी है, उसके बाद वेरिएबल का नाम और फिर हमारे पास एंड में सेमीकॉलन या टर्मिनेटर. हाँ जी, हेयर टाइप मस्ट बी अ वैलिड सी डाटा टाइप इंक्लूडिंग करेक्टर, W, उसके बाद इंट, फ्लोट, डबल, बोल और एनी यूजर डिफाइन होता है. अब जैसे हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है बोल और एनी यूजर डिफाइन होता है. अब जैसे हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है इंट आई, इसकी डाटा टाइप क्या है आई की, इंट है, और आई जो है हमारे पास कोई भी वेरिएबल है. आप आई लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं, सी भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन इसकी डाटा टाइप जो है वो क्या है, इंटीजर, इंट. इसी तरह जे लिखा हुआ है, के लिखा हुआ है. अब नीचे है हमारे पास करेक्टर. करेक्टर के लिए हम ज़्यादातर जो है वो सी या सी एच यूज़ करते हैं. उसमें ये है कि हर किसी को पता चल जाता है फर्क का और हमें भी याद रहता है. इसी तरह हमारे पास फ्लोट के लिए एफ यूज़ करते हैं, या आप सैलरी या कोई भी आप वेरिएबल ले सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं. अब जिस तरह हमारे पास डबल है उसके लिए डी ज़्यादातर वेरिएबल लिया जाता है,
तो आप डी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। हाँ जी, उसके बाद आ जाता है हमारे पास वेरिएबल कैन बी इनिशियलाइज, कि जब हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं उसको इनिशियलाइज भी कर सकते हैं, मतलब स्टार्ट में ही उसे कोई ना कोई वैल्यू दे देते हैं। उसके लिए हमारे पास जो सिंटैक्स है वो टाइप, मतलब जो डेटा टाइप होगी वो, उसके बाद वेरिएबल का नेम और जो उसे वैल्यू असाइन करना चाहते हैं वो देंगे, और उसके बाद टर्मिनेटर। अब जैसे इंट डी, डी के अंदर वैल्यू जो है हमने 3 इनिशियलाइज कर दी, एफ के अंदर हमने 5 कर दिया, उसके बाद बाइट जी के अंदर हमने 22 कर दिया, करेक्टर एक्स के अंदर जो है हमने एक करेक्टर एक्स इनिशियलाइज किया। उसके बाद आता है हमारे पास फॉर डेफिनेशन विदाउट एनी इनिशियलाइजर वेरिएबल विद स्टैटिक स्टोरेज ड्यूरेशन आर इम्प्लिसिटली इनिशियलाइज्ड विद नल, ऑल बाइट्स हैव द वैल्यू 0, द इनिशियल वैल्यू ऑफ ऑल अदर वेरिएबल्स आर अनडिफाइंड। अब कहते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन इन सी, अ वेरिएबल डिक्लेरेशन प्रोवाइड अश्योरेंस टू द कंपाइलर दैट देयर एग्जिस्ट अ वेरिएबल विद द गिवन नेम। अब कहते हैं जो हमारे पास वेरिएबल डिक्लेरेशन है ये हमारा जो कंपाइलर है उसको इंश्योर करवाता है कि इस नाम का जो है कोई मेमोरी या वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर किया गया। अ वेरिएबल डेफिनेशन हैज़ इट्स मीनिंग एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन ओनली, द कंपाइलर नीड एक्चुअल वेरिएबल डेफिनेशन एट द टाइम ऑफ लिंकिंग द प्रोग्राम। उसके बाद कहता है अ वेरिएबल डिक्लेरेशन इज यूजफुल व्हेन यू आर यूजिंग मल्टीपल फाइल्स एंड यू डिफाइन योर वेरिएबल इन वन ऑफ द फाइल्स व्हिच विल बी अवेलेबल एट द टाइम ऑफ लिंकिंग ऑफ द प्रोग्राम। हाँ जी, इसको अगर आप ना भी करें तो कोई इशू नहीं है। उसके बाद ये आ गया हमारे पास एक प्रोग्राम हैश इंक्लूड stdio.h एक्सटर्न इंट ए बी, उसके बाद जो है हमारे पास नीचे जो है इंट मेन, इसके अंदर वेरिएबल जो है वो डिफाइन किया गया। जो हमारे पास वेरिएबल डिक्लेरेशन है ये हम फंक्शन में देखेंगे, अभी आप इसको ना देखें। इंट मेन के अंदर आ जाता है वेरिएबल डेफिनेशन, जैसे इंट ए कॉमा बी, इसी तरह इंट सी, फ्लोट एफ, और नीचे आ जाता है हमारे पास इनिशियलाइजेशन कि वेरिएबल को इनिशियलाइज किया हुआ है, ए इज इक्वल टू 10, बी इज इक्वल टू 20, तो ये हमने क्या कर दिया एक वैल्यू जो है इसके अंदर इनिशियलाइज कर दिया। अब नीचे हमने लिखा एक फंक्शन, एक प्रोग्राम लिखा है कि सी के अंदर क्या करना है, हमने सम लिखना है ए और बी का, एक प्रोग्राम लिखा है कि सी के अंदर क्या करना है, हमने सम लिखना है ए और बी का, तो इसके अंदर हमने क्या किया एक फार्मूला लिखा है सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, क्या मतलब सी के अंदर ऐसी वैल्यू स्टोर हो जो ए और बी का सम हो। उसके बाद हमने प्रिंट एफ लिख दिया वैल्यू ऑफ सी, उसके बाद परसेंटेज डी बैक स्लैश एन डबल कॉमा, उसके बाद कॉमा, और जो है हमने उसका सी का आगे सी बता दिया। तो जो ये प्रिंट एफ के अंदर वैल्यूज दी हैं ये हमने सेम ऐसे के ऐसे लिखनी है। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है एफ, एफ इज इक्वल टू 70.0 डिवाइडेड बाय 3.0। अब इसके अंदर हमने क्या किया एक और वेरिएबल को इनिशियलाइज किया हुआ, इसी तरह हमने क्या किया इसकी वैल्यू जो है प्रिंट करवा दिया और एंड में रिटर्न। हाँ जी, अब ये देखें यहाँ पे जो है उसने वैल्यू ऑफ सी दे दिया 30 और वैल्यू ऑफ एफ दे दिया। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जैसे मैं न्यू वीडियो बनाऊंगा उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तब तक अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।